questions from the end of July or from the end of June, you will have एमसीक्यू मैराथन. रोज हम कम से कम 40 से 50 एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे. तो टुडे ऑल्सो आई हैव गॉट लॉट ऑफ एमसीक्यूज फॉर यू. तो एक के बाद एक हम सॉल्व करेंगे. एंड आई विल नॉट बी आस्किंग एनीथिंग जो हमने नहीं पढ़ाया है. इतने दिनों एंटीबायोटिक्स में जो सब कुछ पढ़ाया है उसी का आज रिविजन होगा. तो आप अपना सब नोट्स निकाल लो और रेडी हो जाओ. जितना सारा नोट्स है इतने दिनों में जो कलेक्ट किया है, प्लीज टेक इट आउट एंड गेट रेडी. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एंटीबायोटिक एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, कौन सा है बताओ. अरे इतना टाइम, डॉक्सीसाइक्लिन. हाँ डॉक्सीसाइक्लिन. हु वाज टेलिंग दैट, कौन बोला? आकाश, वेरी गुड. डॉक्सीसाइक्लिन इज प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर. ओके, सेफोटेटन क्या है? इट इज सेफालोस्पोरिन. सेफालोस्पोरिन क्या है? वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है. ओके, सिप्रोफ्लोक्सेसिन क्या है? सिप्रोफ्लोक्सेसिन. ऑक्सेसिलिन क्या है बताओ? ये पेनिसिलिन है. ठीक है, पेनिसिलिन. या पेनिसिलिन. तो डॉक्सीसाइक्लिन कम्स अंडर व्हिच ग्रुप? टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन कौन सा राइबोसोम पे काम करता है? 30S. 30S राइबोसोम. ओके, एट 30 हमने पढ़ा था ना, अमाइनो ग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन. ठीक है, इट वर्क्स ऑन 30S राइबोसोम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस. इसको तो एक सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए, बताओ. वेरी गुड, वेरी गुड. सेफेलबाइम, सी फॉर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर. तो और कौन सा ड्रग है? पेनिसिलिन इज ऑल्सो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीबैक्टीरियल एजेंट एक्ट बाय इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस एक्सेप्ट, बताओ तो ये कौन सा है? मोनोबैक्टम के बारे में बात किया. कार्बापिनम के कार्बापिनम का एक ड्रग का नाम बताओ तो, जिसके बारे में हमने बात किया. इमीपेनम. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. इमीपेनम का प्रॉब्लम क्या है? तो इमीपेनम के ग्रुप में और एक ड्रग आता है जो ओरली देते हैं, क्या है? क्या है वो? पेरोपेनम. ओके, पेरोपेनम. वेरी गुड. ओके, तो मोनोबैक्टम में क्या आता है? एक न्यूमोनिक बताया था मैंने, मजेदार न्यूमोनिक. नाम तो बता. ओके, सेफालोस्पोरिन. और ये आंसर है, सेफालोस्पोरिन आल्सो वी नो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर. सो व्हाट इज नाइट्रोफुरेंटियोन? सो नाइट्रोफुरेंटियोन इज एन एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशन यूज्ड टू ट्रीट ब्लैडर इन्फेक्शन. इसको किस लिए यूज करते हैं? ब्लैडर इन्फेक्शन में यूज करते हैं. बट इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर किडनी इन्फेक्शन. किडनी इन्फेक्शन में ये काम नहीं करता है. इट इज टेकन बाय माउथ. ओके, ओरली देते. All of the following drugs act on cell membrane. ये आपका antifungal से question है. बताओ कौन सा है? इसका answer है mitotic spindle में act करता है. मतलब DNA में act करता है. Anyone? Polymyxin. नहीं. D D. D नहीं है. D नहीं है. C तो वो था ना. बेंजोफ्यूरन में आता है ग्रीसियोफोल्विन हमारा. तो इट एक्ट्स ऑन माइटोटिक स्पिंडल. ये माइटोटिक स्पिंडल में काम करता है. दैट इज द डीएनए. इट इज ओरल स्टैटिक ड्रग, हाई एफिनिटी फॉर केराटिन. केराटिन कहाँ कहाँ पे होता है? Where we find keratin? Skin, hair, nails. Nail. Nail. इसका जो fungal infection है, इसको क्या बोलते हैं?
इनिया डर्मेटोफाइटोसिस नेल हेयर स्किन क्या है डर्मा स्किन होता है ना डर्मेटोलॉजी बोलते हैं राइट तो इसका जो फंगल इन्फेक्शन है इसको क्या बोलते हैं डर्मेटोफाइटोसिस ओके तो इट इज अवॉइडेड इन पेशेंट टेकिंग अल्कोहल ग्लिसोफुलबिन अल्कोहल में अल्कोहल लेने वाले लोगों में अवॉइड करते हैं क्या करता है डायसल्फिडियम रिएक्शन एनीवन वुड लाइक टू टेल व्हाट इज डायसल्फिडियम रिएक्शन हैंगओवर लाइक इफेक्ट नोसिया वोमिटिंग नोसिया वोमिटिंग एवरीवन करेक्ट हैंगओवर लाइक इफेक्ट ओके तो उसको कभी भी गाड़ी नहीं चलाना है इफ ही हैज टेकन अल्कोहल फिर भी गाड़ी चलाना ओके हो जाता है हम बच जाओगे पुलिस से पर अल्कोहल के साथ अगर ये ग्लिसोफुलबिन ले लिया पुलिस से तो बच जाओगे पर जिंदगी से नहीं बचोगे जिंदगी खत्म खत्म टाटा बाय बाय बोलता है ना राहुल गांधी तो ऐसे हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे और सारा ड्रग्स हमने बात किया था निस्टेटिन ग्लिसोफुलबिन तो बात किया निस्टेटिन क्या है एम्फोटेरिसिन बी कहाँ पे एक करता है सेल कोलेस्ट्रॉल राइट और कोलेस्ट्रॉल नहीं एर्गोस्टेरॉल एर्गोस्टेरॉल में बाइंड करता है तो निस्टेटिन क्या है निस्टेटिन बिलोंग्स टू कोलीइन सबसे हमने पहले बात किया था कोलीइन में क्या होता है हमने बात किया था अल्केन फिर क्या है अल्केन और उसके बाद क्या है अल्काइन राइट तो अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है अल्किन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो पोलीइन इन मतलब डबल बॉन्ड मल्टीपल डबल बॉन्ड्स आर देयर ओके मेनी डबल बॉन्ड्स तो इसमें क्या आता है एम्फोटेरिसिन बी एम्फोटेरिसिन बी क्या है इट इज टॉक्सिक उसके साथ और भी क्या आता है निस्टेटिन और हेमिसिन दे आर मोर टॉक्सिक हेंस यूज लोकली तो एम्फोटेरिसिन बी कैसे कैसे देते हैं हम ओरली देते हैं क्या आईवी 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 और कहां पे देते हैं माइनर इन्फेक्शन में देते हैं क्या हमको डर्मेटोफाइटोसिस हो गया है हम देंगे क्या एम्फोटेरिसिन बी मेजर सीवियर सीवियर इन्फेक्शन एग्जांपल दो म्यूकोरमाइकोसिस फाइन तो पॉलीमिक्सिन बी इसको निस्टेटिन तो बोल दिया मैंने ये नेक्स्ट ए बैक्टीरियासाइडल ड्रग वुड बी प्रिफर्ड ओवर बैक्टीरिया स्टैटिक ड्रग इन ए पेशेंट विथ इसका बारे में बताओ ये भी हमने पढ़ा था फर्स्ट में ही जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी पढ़ा था याद है आपको बैक्टीरियासाइडल कहाँ पे यूज करते हैं और बैक्टीरियोस्टेटिक कहाँ पे यूज करते हैं न्यूट्रोपेनिया हाँ न्यूट्रोपेनिया वेरी गुड कौन बोला न्यूट्रोपेनिया सर देवरती 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 सो वेरी गुड न्यूट्रोपेनिया बैक्टीरियासाइडल ड्रग किल मैं आई एम रीडिंग फ्रॉम योर केडी त्रिपाठी ओके तो बैक्टीरियासाइडल ड्रग किल द बैक्टीरिया वेयर एज बैक्टीरियोस्टेटिक ड्रग ओनली इनहिबिट बैक्टीरियल ग्रोथ तो बैक्टीरियासाइडल क्या करता है इट किल्स द बैक्टीरिया राइट और स्टेटिक क्या करता है इट इनहिबिट्स द ग्रोथ तो एक न्यूमोनिक दिया था मैंने साइडल ड्रग्स का कौन सा है याद है बेवफा मार डालेगी तो साइडल मतलब बेवफा ओके देन आई विल रीड अगेन इसके बाद क्या लिखा है बैक्टीरियोस्टेटिक एक्टिविटीज एडवोकेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मोस्ट इन्फेक्शन तो ज्यादातर इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरियोस्टेटिक ही काफी होता है पर इम्यून सिस्टम में अगर प्रॉब्लम हो इफ देयर इज सम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट तो उसमें हमको क्या चाहिए बैक्टीरियोसाइडल ओके तो लाइक न्यूट्रोपेनिया में इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम होता है इसके कारण आपको बैक्टीरियोसाइडल देते हैं ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज बैक्टीरियासाइडल हियर आप बताओ बैक्टीरियासाइडल कौन सा है यहाँ पे कोई बता पाएगा सल्फोनामाइड एरिथ्रोमाइसिन क्लोरामफेनिकोल कोट्रिमोक्साजोल एरिथ्रोमाइसिन नहीं है एरिथ्रोमाइसिन कहाँ पे आता है आपका बोलो तो मैक्रोलाइड मैक्रोलाइड में आता है मैक्रोलाइड बैक्टीरियोस्टेटिक है सल्फोनामाइड भी बैक्टीरियोस्टेटिक है कोट्रिमोक्साजोल ये इसका आंसर है ठीक है तो कोट्रिमोक्साजोल क्या है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेटोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल एंड
is in a class of medication called sulfonamide. It works by stopping the growth of bacteria. So, ye bactericidal hai. Aur uske bare mein hum baat karte hain measuricidal drugs. Kaise yaad rakhenge? Bevafa. Okay? So, be mein kya aata hai? Beta lactam. Va mein kya aata hai? Vancomycin. F pe kya aata hai? Chloroquinolone. Aur A for aminoglycoside. Okay? So, ye note down kar do. Jo first time class attend kar rahe hai, please note down. Ya main YouTube mein ye video dunga thodi der baad. तो आप कॉपी कर लेना ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर इन्फेक्शन इज कॉमन इन, कहाँ पे कॉमन है सुपर इन्फेक्शन? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बोला है. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज देवांगी. देवांगी, वेरी गुड वेरी गुड. इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इन्फेक्शन. सुपर इन्फेक्शन का मतलब क्या है? सुपर इन्फेक्शन राइट. तो सुपर इन्फेक्शन इन्फेक्शन अक्वायरिंग आफ्टर और ऑन टॉप ऑफ एन अर्लियर इन्फेक्शन, मतलब एक इन्फेक्शन ऑलरेडी आपको है, आपको ऑलरेडी एक इन्फेक्शन है, ऊपर से और एक इन्फेक्शन आ गया, उसको बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन. जैसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं ना, गरीबी में क्या बोलते हैं? गरीबी में क्या है? आटा गीला. आटा गीला, हाँ, गरीबी में आटा गीला. तो आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, ऊपर से और एक इन्फेक्शन आ गया, तो उसको बोलते हैं सुपर इन्फेक्शन. और ये किन में होता है? इट अक्वायर्स ड्यू टू ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. और कहाँ पे होता है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? कौन सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है यहाँ पे? टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन, वेरी गुड. किसने बोला? मोहिबुर, वेरी नाइस वेरी नाइस. टेट्रासाइक्लिन, तो ये सारा ड्रग्स है जो लिस्ट है मेरे पास. दिस यू कैन नोट इट डाउन, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है. ओके, उसमें से डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन तो आपको पता है, टेट्रासाइक्लिन में आ जाता है, बाकी सारे भी हमको याद करना है. ठीक है, एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, ये आ गया आपका पेनिसिलिन में. ठीक है, पिपरसिलिन भी आ गया पेनिसिलिन में. ये सारा टेट्रासाइक्लिन पढ़ लिया हमने, और ये सारा आप याद रखो. विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक डज नॉट एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस? बता तो कौन सा है? वैंकोमाइसिन. वेरी गुड वेरी गुड, वैंकोमाइसिन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक एसोसिएटेड कोलाइटिस? ये मैंने पहले बोला था, आप लोग को पूछूंगा, बताओ अभी. कौन बोला? डी. क्लॉस्ट्रिडियम. क्लॉस्ट्रिडियम डिफिकली. ओके, डिफिकली जो भी है आपको क्या बोलते हैं, अगर एमसीक्यू पेपर देना है तो प्रोनाउंसिएशन वोंट मैटर, आपको टिक करना है करेक्ट आंसर. ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल एजेंट्स एक्ट्स ओनली ऑन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल? बताओ. कितने बार देते हैं? अभी बात किया ये सिफिलिस है, पेनिसिलिन यूज करते हैं हम, अभी बोल रहे हो सिफिलिस, बताओ अच्छे से बताओ. रिकेट्सियल इन्फेक्शन. हाँ, रिकेट्सियल इन्फेक्शन. टेट्रासाइक्लिन का न्यूमोनिक क्या था? किसको नहीं देते हैं हम टेट्रासाइक्लिन? कपिल देव को नहीं देते हैं. और किसको देते हैं? श्रीलंका वालों को देते हैं. ठीक है, तो श्रीलंका में आर क्या आता है? रिकेट्सियल इन्फेक्शन. ओके, तो लेट्स रिवाइज. पेनिसिलिन जी का इंडिकेशन क्या है? देखो, इसका न्यूमोनिक है लास्ट मैन. ओके, लास्ट मैन या लास्ट मैंगो. ओके, तो लास्ट में क्या आया? लिस्टेरिया. पेनिसिलिन का देखो, लिस्टेरिया. ए फॉर एक्टिनोमाइकोसिस, एस फॉर सिफिलिस,
T for tetanus, M for meningococcus. Okay. और tetracycline का uses देखो Sri Lanka. S for ये आप खुद से पढ़ लेना. अभी we don't have time to recite this again. आप खुद से पढ़ लेना. ठीक है, revise कर लेना. More important here is rickettsia. Okay, rickettsia में drug of choice है. Okay. Now combination of amoxicillin and with clavulanic acid is active against all of the following organisms except MRSA में क्या काम करता है बताओ? वैंकोमाइसिन. और एक है कौन सा जेनरेशन सेफालोस्पोरिन? फिफ्थ जेनरेशन. वेरी गुड. फिफ्थ जेनरेशन को कैसे याद रखते हैं हम? रोल. सेफ्थारोलिन. फाइव. मोटा आदमी कितना रोल खाता है? पांच रोल खाता है. फाइव रोल. ओके. Which of the following is not a semi-synthetic penicillin? बताओ. Penicillin G. It's natural. Okay. इसका एक बात भी है. G for ground. ऐसे याद रख सकते हो. Ground क्या है? Nature है ना. Ground is nature, right? तो ये natural है. ठीक है. तो penicillin G is a natural penicillin that is produced directly from fermentation of penicillium. Chrysogenum. It is not important, but yaad rakho, penicillin G is a G for ground. Ground is nature, theek hai? Aur nature se natural. Fine. Which of the cephalosporin has activity against methicillin resistant Staphylococcus aureus? Batao kaun sa hai isme? D. Streptococcal. Fifth generation. Okay. ठीक है. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास? पिपरेसिलिन प्लस टेजोबैक्टम. वेरी गुड. अदर पीपल हु आर नॉट आंसरिंग, आप लोग को समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है. दोस पीपल हु आर न्यू फॉर टुडे, आप लोग क्या करना, देयर आर वीडियोस ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स यूट्यूब में है, हमारे चैनल पे आपको वीडियो देख लेना. ठीक है. तो आई थिंक यू माइट बी इन कंफ्यूज, आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि पहला क्लास है और इतना सब कुछ बोल दे रहे. नहीं, यू गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर. आपको एक बार देखोगे तो आपको ये सारा सॉल्व करने में आपको थोड़ा भी टफ नहीं लगेगा. ठीक है. प्लीज गो थ्रू देम. ओके. तो इसका बताओ, which of the following antimicrobial is effective against an organism producing extended spectrum beta lactamase? कौन सा है? A. कैसा होगा? A तो नहीं है. देखो, ESBL में कौन सा काम करता है? कार्बिपिनम. और एक है कार्बिपिनम. Second generation. And tazobactam. ये हमने पढ़ा था, आप लोग भूल गए. नोट्स पे लिखा है कि नहीं? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? Am I mistaken? Please check your notes. सी है ना? मेरे ख्याल से तो सी होना चाहिए. हाँ सर. सी है ना? Yes. Okay. हाँ सर. Okay. Which of the following beta lactam antibiotics can be safely used in a patient with history of allergy to penicillin? ये तो क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही आंसर दे दिया. वेरी गुड. एस्ट्रियोनम. ओके. नेक्स्ट, बीटा लैक्टम क्या क्या है? एग्जांपल ऑफ बीटा लैक्टम, पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, कार्बेपिनम और मोनोबैक्टम. ओके. ब्लीडिंग इज ए रिस्क विद द यूज ऑफ ब्लीडिंग कहाँ पे होता है? कल पढ़ा था हमने, याद है? चार ड्रग था सेफालोस्पोरिन में. जो डाइसल्फिनम रिएक्शन मॉक्सालेक्टम. चार ड्रग है डाइसल्फिनम रिएक्शन करता है और चार ड्रग है जो हम लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर में नहीं देते हैं. वो क्या है? आंसर है मॉक्सालेक्टम. तो व्हाट आर दोस ड्रग? ये देखो, सेफोपेराजोन, मॉक्सालेक्टम,
Cefotetan, Cefomendol. Okay? Yeh char drug hai. For the new people out there, please don't mind if I am going little fast. Okay? Aap log please wo purana notes ek bar dekh lena. And if you require, I will take some extra class for you. Aap pehle wo video sara dekh lena. Agar aapko samajh mein nahi aata, if you find any difficulty in understanding, you please do tell me. Aap personally message kar do ya group mein message kar do. I'll take another special class for you. Okay? Now, true about imipenem is, imipenem kya karta hai? Batao, kaun sa hoga isme? Should be used with cilastatin. Yes, very good. Which among the following is not a beta lactamase resistant penicillin? Kaun sa nahi hai? Yaad hai, ye to tough hai yaar, ye to tough hai, main manta hu. So yaad rakhna tough hai, isliye maine answer bhi la liya. So vodka. Vodka matlab acid resistant. Vodka mein kya aata hai? Penicillin V, oxacillin, dicloxacillin aur yahan pe answer hai aapka cloxacillin. Nahi. Kya hai? Ye iska kya tha? Just a minute. I'll check my book. Oxacillin. Oxacillin hoga. I think so. Just a minute. I'll check. It is carbamazepine. Okay? ये कार्बन सिलिन है आई थिंक आई हैव गॉट द रॉन्ग न्यूमोनिक हियर ठीक है इसको इग्नोर करना थोड़ा मैं चेक करूंगा ओके कंडम हां हां हो सकता है ये बताओ इसके बताओ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैंकोमाइसिन बी ओरल ओरल हां ओरल ओरल ये बोला था ना कि मैं गलती किया हूं बोला था तो इसे याद रखो कि सर ने एक बार बोला था कि गलती किया था वो गलती वाला सही था ओके ओरल में स्यूडो मेम्ब्रेनस हां सही क्या एक एक मूवी का नाम है ना क्या सही गलत ऐसे कुछ है झूठा ही सही याद है एक जॉन अब्राहम का मूवी निकला था झूठा ही सही तो जो गलत था वही सही है ओके तो ओरल स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस ओके मैं तो एटलीस्ट नहीं भूलूंगा आपको आई डोंट नो अबाउट यू ओके सो पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज अभी बताओ मेथिसिलिन ये इसका कंडम है ओके पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इसका मेथिसिलिन है ओके इसका मेथिसिलिन है मोस्ट रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन इज यूज्ड फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ ये न्यूमोनिक में नहीं है पर श्रीलंका है ना न्यूमोनिक पर न्यूमोनिक में नहीं है ये मेनिंजाइटिस तो पेनिसिलिन यूज करते हैं क्या बोल रहे हो कोलेरा हां कोलेरा वेरी गुड कोलेरा है इसका ठीक है कोलेरा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मॉनिटर्ड इफ लिनेजोलिड इज गिवन फॉर मोर देन 14 डेज कौन सा होगा एलएससी नहीं अच्छा बताओ उससे बताओ बुक निकाल रहे हो कॉपी निकाल रहे हो ये तो मैंने पढ़ाया नहीं है ये तो मैंने पढ़ाया नहीं है ये आपका क्या बोलते हैं वो आउट नॉलेज या क्या कुछ ऐसे बोलते हैं ना बाहर का नॉलेज एक्स्ट्रा क्या पढ़ा है आपने उससे बताओ क्या है पता है किसी को नहीं पता Okay, I'll tell you. This is platelet count. So I'll read from the book. Principal toxicity of linezolid is a hematological, which is reversible and generally mild. Thrombocytopenia is the most frequent manifestation. जो इसको क्या होता है thrombocytopenia और thrombocytopenia मतलब क्या है? Disorder platelet में platelet कम हो जाना. Okay? So that is thrombocytopenia. So thrombocytopenia हो जाता है. इसीलिए linezolid लेने से क्या करते हैं? Platelet count हम देखते हैं. Okay? Erythromite हाँ ये तो पढ़ाया है मैंने. ये बताओ. Erythromycin is given in intestinal hypomotility because क्यों देते हैं? Option D. Option D. Yes. D. मैंने बोला.
ऑप्शन बी लाइन मिस हां कौन है ओके कोई भी है जो भी है सही बोला वेरी गुड इट बाइंड्स टू मोटिलिन रिसेप्टर ये मैंने पढ़ाया है पिछले क्लासों में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टेट्रासाइक्लिन ना प्रोबेबिलिटी कौन सा ट्रू नहीं है टेट्रासाइक्लिन के बारे में टू डी नहीं ए टेराटोजेनिक है टेट्रासाइक्लिन प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं क्यों क्यों क्या होता है उससे टूथ डिस्कलरेशन होता है बच्चों में हाँ ये याद रखो ये भूलना नहीं है ये कभी भूलना नहीं है टूथ डिस्कलरेशन जितने समय डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करोगे जब भी टूथ डिस्कलरेशन देखोगे तो पूछोगे कि प्रेगनेंसी में कोई दवा लिया था क्या जिसके कारण वो हो सकता है टेट्रासाइक्लिन के कारण ये हो सकता है ओके इट इज टेराटोजेनिक ओके टेट्रासाइक्लिन कैन बी गिवन इन ऑल फॉर्म्स एक्सेप्ट ये आपका आउटर नॉलेज है क्या है ये सिकल इन आई नहीं टॉपिकल इन आई में देते हैं ये ओपन वुन में नहीं देते हैं टेट्रासाइक्लिन ओपन वुन में नहीं देते हैं ये याद करना है ठीक है दिस इज आउटर नॉलेज योर ठीक है जीके जीके जनरल नॉलेज नहीं है यार ये क्या कुछ भी बोल रहा हूँ ऑडिटरी टॉक्सिसिटी इज मैक्सिमम विद किसने बोला एमिकासिन कौन सुनाई नहीं दे रहा यार जो भी है अच्छा वेरी गुड ऑडिटरी ए फॉर ऑडिटरी टॉक्सिसिटी ए फॉर एमिकासिन ओके ठीक है ए फॉर ऑडिटरी टॉक्सिसिटी ए फॉर एमिकासिन एरिथ्रोमाइसिन एक्स बाय इंटरफेरिंग विथ कहाँ पे काम करता है एरिथ्रोमाइसिन पता है ये तो पढ़ाया है मैंने देखो 30S में कहा 30S में ए और टी ठीक है अमाइनो ग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन एट 30 यू विल गेट मैरिड ओके ऐसे याद रख दो यू विल गेट मैरिड तो हाँ जनरली 30 पे मैरिज करते हैं लोग तो एट 30 यू विल गेट मैरिड अमाइनो ग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन ठीक है तो ये 30 में 30S राइबोसोम और बाकी 50S तो इसमें 50S होगा ठीक है ट्रांसलोकेशन ऑफ 50S राइबोसोम ये प्रिंटिंग टाइप में मिस्टेक हुआ है दोनों सेम सेम ऑप्शन दे दिया है ठीक है ट्रांसलोकेशन ऑफ 50S राइबोसोम लिनोजोलाइड इज बेस्ट यूज्ड फॉर इसमें यूज करते हैं लिनोजोलाइड का BVRS हां BVRS वेरी गुड BVRS ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंस MRSA क्या है वैंकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम कहां पे देखते हैं वैंकोमाइसिन वेरी गुड ग्रे बेबी सिंड्रोम कहां पे दिखते हैं क्लोरामफेनिकोल द नेफ्रोटॉक्सिसिटी एमाइनोग्लाइकोसाइड यस वेरी गुड रेड सेल एप्लेसिया वो जो बोलेगा पेनिसिलिन उसको मैं गोली मार दूंगा सिप्रोफ्लोक्सासिन उसको मैं बम मारूंगा नहीं है याद करो बोन मैरो सेपरेशन करता था कि नहीं क्लोरामफेनिकोल बोन मैरो सेपरेशन क्लोरामफेनिकोल करता था तो रेड सेल एप्लेसिया क्लोरामफेनिकोल तो यहाँ पे ही खत्म है क्या नहीं खत्म नहीं है देखो ये मैंने आप लोग के लिए इतना मेहनत किया है इट हैज हाई रिस्क ऑफ कॉजिंग बोन मैरो सेपरेशन क्लोरामफेनिकोल ठीक है ये ग्रे बेबी सिंड्रोम भी करता है ओके इट इज मेनली यूज्ड इन मेनिंजाइटिस ओके मेनिंजाइटिस में यूज करते हैं ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सेफ इन प्रेगनेंसी बताओ एम्पिसिलिन हाँ इसका न्यूमोनिक क्या है पीसीएम
PCM, yes. P for? Penicillin. Penicillin. P for? Cephalosporin. Cephalosporin. Or M for? Macrolides. Macrolides. Okay, very good. So, penicillin mein aa jata hai aapka ampicillin. Okay? Drug of choice for plague is? Plague mein kaun sa use karte hai? Tetracycline. Yes, tetracycline. Very good. Tetracycline. Okay, so yahan pe hi hamara session aaj ka khatam hota hai.